देसी देसी ना बोलिया कर छोरी है, इस देसी की फैनी अपनिया हो रही है। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी है, इस देसी की फैनी अपनिया हो रही है। हेलो, कैसे हो आप लोग, स्वागत है सभी का गौरव छा फिटनेस में। भाई लोग, अभी जो आप लोगों ने देखा वो मेरे बॉडी का कंडीशनिंग अभी है, सारा कुछ होम वर्कआउट से मेंटेन कर रहा हूँ मैं। अभी सारा कुछ बंद है, जिम बंद है, सारा कुछ बंद है, पूरा मार्केट बंद है, पूरा इंडिया बंद है, लॉकडाउन सारा कुछ। तो अभी मेंटेन कैसे कर रहा हूँ मैं, होम वर्कआउट से कर रहा हूँ भाई लोग। सारा कुछ होम वर्कआउट मैं अपलोड भी करते रहता हूँ अल्टरनेट डेज करके, आप लोग पर देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेकआउट करो। सारा मैं होम वर्कआउट जो मैं करता हूँ आप लोगों से शेयर करता हूँ वीडियोज अपलोड करके, ठीक है भाई लोग। तो आज मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने किया था डेढ़ साल के अंदर, डेढ़ से दो साल के आसपास मैंने ट्रांसफॉर्म किया था अपनी बॉडी को, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो मैंने कैसे किया, उसमें मैंने क्या डाइट लिया और क्या एक्सरसाइज किया, किस तक क्या एक्सरसाइज किया और क्या वेरिएशन ऐड किया उसमें, जिससे कि रिजल्ट मिल गया, मुझे मिला, और कैसे आप लोग भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने वर्कआउट में, तो वर्कआउट में या डाइट में। तो मैं क्या लेता था भाई लोग, सबसे पहले मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, ठीक है ना। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में दो तरह के भाई होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं जो वे प्रोटीन भी नहीं लेते हैं, और एक होते हैं जो वे प्रोटीन, BCAA, एमिनो एसिड्स, बीटा, मल्टी विटामिन, सारा कुछ लेते हैं। तो दोनों के लिए मैं बताऊंगा, दोनों के लिए, दोनों आदमी ध्यान से सुनना, दोनों तरह के पर्सनैलिटी ध्यान से सुनना, स्किप मत करना वीडियो। तो पहले मैं बताऊंगा जो वे प्रोटीन नहीं ले पाते, ठीक है ना। तो मैं अभी भाई 3 महीने में पैसा बचा के कुछ सिंपल सा वे प्रोटीन लेता हूँ, ठीक है ना, वो भी अल्टरनेट डेज करके पीता हूँ, जो अल्टरनेट डेज करके पीता हूँ, एक दिन अंडा ऐड कर देता हूँ उसमें, 8 से 10 अंडा, जिसमें कि दो होता है हमारा होल एग और बाकी का होता है एग वाइट्स। तो मैं लेता था क्या, मैं डाइट सेट करता हूँ आप लोगों से। तो 3 टाइम का होस्टल में अगर आप रहते हो या घर पे रहते हो, तो भाई लोग मैं ये नहीं बोलूंगा 40 ग्राम ये खाओ, 50 ग्राम ये बॉइल करो, 60 ग्राम ये करो, ये कुछ बकचोदी मत करो भाई। 3 टाइम का खाना जो आपके पास अवेलेबल है, चावल दाल हरी सब्जी, ठीक है ना, चावल दाल हरी सब्जी, पनीर वगैरह जो हो सके आपको, जो आपके घर में बन रहा हो। आप उतने तगड़े फैमिली से भी, उतने मतलब बड़े हाई लेवल, उतने हाई लेवल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, तो जो मन चाहे वो बनाओ, इतना ग्राम ये ग्राम वो ग्राम, बकचोदी सब छोड़ो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, 3 टाइम का खाना जो आप लोग के पास अवेलेबल है, 3 टाइम का खाना दबा के खाओ। अगर आपको गेंस चाहिए भाई लोग, तो गेंस में आप लोग को ज्यादा खाना ही पड़ेगा, चावल दाल और रोटी और हरी सब्जी से कोई भी सब्जी, मसाला कम रहना चाहिए, तेल कम रहना चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो 3 टाइम का खाना आपको दबा के खाना ही है, कभी स्किप नहीं करना है। उसके बाद 2 आपको ऐड करना है, एक प्री वर्कआउट एक पोस्ट वर्कआउट, 5 मील आपका इसी तरह हो गया। अब प्री वर्कआउट में क्या लेता था, तो 3 टाइम का खाना मैं हॉस्टल में जो मिलता था सिंपल, जिसमें सुबह में दूध मिलता था और हरी सब्जी और चावल रोटी दाल, यही सब सिंपल, अरहर का दाल, मसूर का दाल, चने का दाल, अलग अलग वेरिएशन कभी कभी मिलता रहता था। तो जो आपके पास हो 3 मील तो खाओ ही। उसके बाद प्री वर्कआउट में क्या लेता था, प्री वर्कआउट में लेता था सोया दूध, केला, 1 सोया दूध 2 केला, अगर सोया दूध केला नहीं है तो सोया दूध केला के जगह पे मैं लेता था ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, ठीक है ना, पीनट बटर में प्रोटीन होता है, और ओट्स ले सकते हो तो ओट्स लो, इसमें बहुत सारा फाइबर है, बहुत सारा कार्ब्स है, सारा कुछ है जो आपके एनर्जी वर्कआउट के दौरान एनर्जेटिक रखेगा आपको। प्री वर्कआउट हो गया हमारा, ओट्स ओट मील में बता रहा हूँ, ओट मील में इसमें आप क्या करोगे, दूध ऐड करोगे, केला ऐड करोगे, और जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड करोगे, तो आपका अच्छा सा तगड़ा सा डाइट बन जाएगा प्री वर्कआउट के लिए। और वर्कआउट के बाद जिनके पास वे प्रोटीन है वो तो वे प्रोटीन ही लेंगे, ठीक है ना, और जिनके पास वे प्रोटीन नहीं है वो अगर वेजिटेरियन है तो पनीर वगैरह खा लें कुछ जो उनके पास अवेलेबल हो, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो दबा के 8 से 10 अंडा धीरे धीरे करके वो इंक्रीज करेंगे, पहले 6 से 8 अंडा खाएंगे, बॉडी में रिएक्शन भी बहुत को करता है, पिंपल्स वगैरह हो जाता है, तो 8 से 10 अंडा आप खा सकते हो, इसमें कि 2 एग योक्स के साथ खाओ, क्योंकि आपको आपको बल्की होना है, आपको गेंस लाना है। मैं जो 6ठा मील लेता था वो क्या लेता था, तो 6ठा मील हमारा होता था जिसमें मैं चिकन ब्रेस्ट पीस बॉइल करा के खाता था, ठीक है ना, और अगर अंडे का और वो नहीं अगर खा पाया तो अंडे का भुर्जी बना के मैं खा लेता था, इस तरह करके 6ठा मील अपने हिसाब से मैं तैयार करता था। तो ये 6 मील था भाई लोग, तो ये हो गया डाइट भाई लोग। अब मैं बात करूँ एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज करें आप लोग, जिससे कि आप लोग को रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा और रिजल्ट गेंस आप लोग को दिखने लगेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो भाई लोग आप लोग को करना है वर्कआउट प्लान तैयार करना है, खुद का, किसी का देख के नहीं, ये वर्कआउट करना है तो मैं भी ये वर्कआउट करूंगा, खुद का सारा वर्कआउट नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है ना। उसके बाद वर्कआउट किस तरह करना है आपको, तो आप लोग मंडे को चेस्ट
मंडे को चेस्ट ट्राइस चेस्ट और ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को बैक बाइसेप्स, ये सारा करके आप तैयार करो, ठीक है ना। अब आप उसमें वेरिएशन क्या ऐड करोगे जिससे आपको रिजल्ट मिले, तो आपको क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है ना। स्वैप करना है, आप मंडे को आप चेस्ट लगा रहे हो तो आप मंडे को अगले दिन मंडे को आप बैक और बाइसेप्स लगाओगे, ठीक है ना। फिर आप शोल्डर के दिन, शोल्डर जिस दिन लगाते हो उस दिन कभी स्वैप करके बाइसेप्स ट्राइसेप्स लगाओगे, इस तरह करके आपके इस तरह क्या होगा, आपका बॉडी जो है वो यूज टू नहीं होगा, जो आज हाँ ये बंदा ये वर्कआउट करने वाला है, आपका बॉडी तैयार रहेगा, आपके बॉडी को अचानक हिट करो जिससे आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वर्कआउट इस तरह करके आप लोग तैयार कर सकते हो। ये वर्कआउट जो मैं करता था आप लोगों से बता दिया, इस तरह ये वेरिएशन थोड़ा सा ऐड करो भाई लोग। अगर आप लोग को इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ भी पूछना हो गौरव झा फिटनेस के नाम से इंस्टाग्राम है, जो मर्जी डाइट से संबंधित एक्सरसाइज से संबंधित सारा कुछ मैं आप लोग को उधर आके कॉन्टेक्ट में रहोगे, आप लोग मैं भी रहता हूँ, मैं सारा क्वेश्चन का आप लोग आंसर दूंगा उधर, गौरव झा फिटनेस जाओ फॉलो करो। ये सिंपल सिंपल ट्रिक्स था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, जो मैं इंप्लीमेंट किया, कुछ उससे बेनिफिट हुआ तो मैं आप लोगों से शेयर किया। और भाई लोग होम वर्कआउट मैं भी कर रहा हूँ और सारा अल्टरनेटिव अपलोड करते रहता हूँ, आप लोग को देखना है होम वर्कआउट कैसे मैंने अभी अपने बॉडी को मेंटेन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेकआउट करो, सारा होम वर्कआउट वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है भाई लोग। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट बनाए रखना अपना इसी तरह से, ठीक है भाई लोग। तो नेचुरल रहो और सेफ रहो, ठीक है।